तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हर साल में मंदिर में 50,000 के ऊपर लोग आते हैं, क्योंकि इधर वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। उम्बर का झाड़ है, बरगद का पेड़ है, पिंपल का पेड़ है, तो साक्षात इधर भोलेनाथ रहते हैं। ऐसे इस वजह से इस मंदिर की महानता बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सुबह से लेके रात तक पूरा ये हो जाता है, बहुत बहुत बहुत। और सब लोग क्या करते हैं कि अपना अपना चढ़ावा रहते हैं, ये देते हैं, और पब्लिक को उसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा है, ट्रस्ट ज़्यादा है मंदिर को, सुकून मिलता है उनको, इसीलिए ज़्यादा। ओके, ये मंदिर कभी स्थापना हुआ था? 1976 शिवरात्रि के ही दिन चालू हुआ था ये मंदिर। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपने यहाँ पे आयोजन कर रखा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, उनको धूप नहीं लगे। ये आप सामने देख रहे हैं, ठंडाई उनको दे रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी खाता नहीं है, उपवास रहता है हर एक का। तो वो लोग क्या करते हैं कि ठंडा ही पीते हैं खाली। ऐसी मान्यता है इस मंदिर में, भोले बाबा से कोई अपनी मन्नत अगर मांगता है तो पूरा जरूर करते हैं? जरूर। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपको तो ये मंदिर बनाया लोगों ने ही बनाया है, हम खाली ट्रस्टी है उसके, लोगों ने ही पूरा ये किया है कि पूरे योगदान से, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, उन्होंने योगदान करके हमें बनाया है। हमने कुछ फंड्स के लिए किधर गए नहीं। पब्लिक को सुकून मिलता है, पब्लिक को आस्था लगती है, तभी पब्लिक ज़्यादा आती है मंदिर में। सर क्या कहना चाहेंगे, आज शिवरात्रि का पर्व है, आज है बहुत बड़ा ये है, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को जो कोई मानता है उनके लिए तो बहुत बड़ी पर्वणी है। और इसमें लोगों का सहभाग बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका ट्रस्ट के ऊपर भी विश्वास है और भगवान की तरफ से उनको बहुत सारी भी ये मन्नतें उनकी पूरी होती है, उसके लिए कहीं बहुत लंबे से लोग आते हैं। हाँ, और हम लोग ये ट्रस्ट का ऊपर उनका इतना विश्वास है कि हम लोग हर साल नया नया चीज़ उनको देने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, और बाकी सब हमारा लोगों को मालूम है कि हमारा सब रिकॉर्ड्स है, सब है, सब गवर्नमेंट रजिस्टर हमारा है, ऐसा ही वो जरूर होना चाहिए। और मेडिकल एड्स के बारे में, हाँ, समय की कमी होती है, इसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे महाशिवरात्रि मना रहे हैं मुंबई में, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, संदेश देना चाहेंगे मुंबई से? मुंबई से संदेश देने वाला इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि पर्व चालू है उसे यहाँ आके सबको मन्नत जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है साल में, ऐसे ही साल भर में भीड़ भाड़ रहता है। और यहाँ का जो माहौल है एकदम पवित्र है, पूरा दिन रात सब ऐसे ही रहता है। अच्छा, प्लास्टिक बैन है, सब कुछ है, जो भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल रेगुलेशन है हम लोग सब फॉलो करते हैं, उसमें सही तरह से कोई गड़बड़ हाला नहीं कर भी, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जब से मंदिर शुरू हुआ तब से इतना बड़े पैमाने पे ये हो रहा है, और हमेशा शांति से सब लोग लाइन लगाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है तो भी कोई गड़बड़ नहीं होती। हम लोग जैसे इन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बैग्स वगैरह यूज़ नहीं करते, प्रसाद देने के लिए हम लोग ने कापड़ के बैग रखे हैं। इस साल और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोमवार के दिन जो शिवजी का दिन है उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व आया है, तो लोगों में ज़्यादा उत्साह है। वैसे भी देश में जो चल रहा है और जो अभिनंदन जी वापस आ गए उसके लिए लोगों में ज़्यादा उत्साह है, उसके लिए और देश का जो नाम ऊंचा हो रहा है उसके लिए भी लोग भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं आगे के अच्छाई के लिए, और जो भी कुछ हुआ अब तक जो देश का नाम हुआ पूरे दुनिया में उसके लिए धन्यवाद देने के लिए भी बहुत सारे लोग आज मंदिर की तरफ उमड़ रहे हैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी बहुत 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 बधाई हो, आप लोग बहुत दूर से आए, अपना टाइम निकाल के हमारे लिए आए, इसके लिए मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की हमारे तरफ से। एंड शिवरात्रि का जो ये महत्व है, ये तो देखो सबको पता है, छोटे बच्चों भी आज आ रहे हैं शिव जी की मूर्ति में माथा टेकने के लिए, कोई गिर रहा है, इतना भीड़ हम संभाल नहीं पा रहे, हमको बहुत मुश्किल हो रहा है भीड़ संभालने के लिए। एंड हम सुबह 4 बजे से है, हम लोग रात को 2 बजे तक रहेंगे, हर प्रहर में पूजा होएंगे, हम सब पूजा अटेंड करते हैं, हम अच्छे से संभालते हैं। और सबसे मेन जो इस बार हमने किया, जो यहाँ पे प्लास्टिक जो बैंड हुआ था सरकार की तरफ से, तो प्लास्टिक टोटली बंद है इस बार, तो हमने सबको मेंशन किया था जो स्टील के प्लेट में, स्टील के थाली में सब सामान रेडी करके लेके आओ, दूध जो भी, जिसको जो भी जी को चढ़ाना है, सब लोग वही कर रहे हैं आज। तो ये देखने में भी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिन से लोगों के देने के लिए हम लोगों ने बोर्ड में लिख के रखा था, एंड सबको मैसेज पहुँचाने के लिए दौरान जो भी मंदिर में आते सबको हम बोलते जा रहे थे सब लोग मिल के, तो हम सब सेवादार जो भी है, हम लोग जो है यहाँ पे सब मिल के ये काम कर रहे थे, अकेले से किसी के साथ तो इतना बड़ा काम पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस बार तो बहुत भीड़ दिख रहा है। अभी तो भीड़ मतलब अभी तो शुरू हुआ सिर्फ, अभी और टाइम जाएंगे तो और भीड़ बढ़ते जाएंगे। अपने बारे में भी बता दें लोगों को, बॉलीवुड में भी आपके नाम का चर्चा रहता है क्या? नहीं, वो आज के दिन में तो मैं यही बताऊंगी मैं बिल्कुल, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मेरा अलग है। आज हम लोग सेवादार है सब लोग, आप सब सेवा करने आए यहाँ पे, आज हम लोग कोई कुछ नहीं है, कोई बॉलीवुड नहीं, कोई पॉलिटिक्स, कुछ बॉलीवुड नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, आज तो हम सब सेम है, सब एक जैसे। अध्यक्ष महोदय, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने बड़े तादाद में लोग आए हुए हैं, सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की आप लोगों ने पूरी सिक्योरिटी, हमने हमारी खुद की सिक्योरिटी है, प्लस हमने हायर किए सिक्योरिटी के गार्ड्स आए और 24 आवर्स वो उधर रहेंगे, सुबह 3 बजे से वो गार्ड्स है, और मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ है, मेटल डिटेक्टर से कोई भी आदमी आता है, खाली सीनियर सिटीजन आता है या कुछ आता है तो चेक होके ही हम लोग उनको छोड़ रहे हैं, कोई वो नहीं, कोई शिव गणेश मंदिर ट्रस्ट की अगर बात करें तो किस प्रकार का 25 साल से शिव भगवान की काम किया, और ये 25 साल से हमारा दोस्त है और यहाँ से सेवा कर रहा है, और थैंक्स टू हिम आज महाशिवरात्रि के दिन पार्वती और शिव का कैसी लगी, पार्वती और शिव का शादी हुई थी, व्यवस्था कैसी लगी? पहले सुनिए, शिव और पार्वती की शादी आज के दिन हुई थी, तभी इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। लोखंडवाला का एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो आज नहीं आएगा, सभी आएंगे, और सब इसी की वजह से, बिलन दलवी की वजह से, और बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और लोगों की सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सुरक्षा तो बहुत है इधर, तो कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, 12 बजे तक 1 बजे तक घूमते रहते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, बड़ी आस्था है इस मंदिर, बड़ी आस्था, सबका सबका भला। जी जी, अधिक महोदय आपसे एक और जानना चाहते हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्ट की अगर बात करें तो किस प्रकार का, आज के अलावा और भी साल में किस प्रकार का काम करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेडिकल करके समाज के हित में हम मेडिकल एड्स करते हैं। मेडिकल एड्स मीन्स क्या है, व्हील चेयर रहती है, वॉकिंग स्टिक रहती है, वो आप लोग लेते हैं, वो बाद में ये हो जाता है कि घर में पड़ा रहता है, इसलिए हम लोग फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल एड्स, व्हील चेयर, बेड, वॉकिंग स्टिक, सब चीज, एम्बुलेंस है हमारी, फ्री हम लोग देते हैं। लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, पैसे कहाँ से? डॉक्टर का मंदिर भगवान देता है, पैसे तो साक्षात शिव यहाँ पे है, ये सामने पड़े हैं, देखो ये पड़े हैं, आपको ऐसे नहीं कि वो पड़े हैं, किसी मेडिकल इक्विपमेंट है, ये सब जनता, खाली उनका डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि इनको ये प्रॉब्लम है और इनको ये चीज की गरज है। इस बात के लिए अगर कोई संपर्क करना चाहे आपसे तो जरूर जरूर, ऑफिस है अंदर, उधर ऑफिस में हमारा नंबर दिया हुआ है, उधर भी मेरा नंबर, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, हमको खाली डॉक्टर सर्टिफिकेट, नो फॉर्मेलिटी यहाँ से। और ये वाइस प्रेसिडेंट है लोखंडवाला गार्डन के, वो डायरेक्ट आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, आके सेवा कर सकते हैं, हम सबको मौका देते हैं, ऐसा नहीं हम हमारा करके हम अपने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी चाहिए बहुत सारे लोग जुड़ जाए हमारे साथ, जितने लोग जुड़ेंगे उतने अच्छे होंगे हमारे लिए भी। चलिए, विश ऑल द बेस्ट।